हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पैकरा ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं रावण दहन देखने प्रतापपुर में, और अभी हम लोग जा रहे हैं सभी कोई पैदल, गाड़ी को छोड़ दिए हैं अपने गांव खजूरी में ही। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं हम लोग बहुत कोई जा रहे हैं पैदल। रास्ता आज रिपेयर हो रहा है, ये वाला कॉलेज रोड खराब हो गया था, गड्ढा गड्ढा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रतापपुर पहुँच जा रहे हैं, थोड़ा दूर बचा है और यहाँ बहुत भीड़ लग रहा है। रोड में पूरा गाड़ी खड़ा किए हैं, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखते हैं फ्रेंड्स, कॉलेज रोड लगभग 100 मीटर तक पूरा फुल हो गया है गाड़ियों से, और बच्चे लोग गुब्बारों वुब्बारा सब पकड़े हैं, मतलब मेला टाइप से लगा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कॉलेज चौक में पहुंच चुके हैं, और हम लोग के पीछे इधर देख सकते हैं रावण का मुंडी दिख रहा है। और अभी चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को ग्राउंड के अंदर जाके, रावण कितना बड़ा बनाया है उसको। और भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स, ग्राउंड पूरा ग्राउंड फुल हो गया है, लगभग लाखों की संख्या में यहाँ भरे हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ का भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा ग्राउंड फुल हो गया है। स्टेडियम भी पूरा फुल हो चुका है, और यहाँ पे आतिशबाजी चालू हो चुका है, देख सकते हैं। और इधर तीन ठू रावण देख सकते हैं, सॉरी तीन रावण नहीं है, रावण एक है, बाकी लोग का नाम नहीं जानता मैं, बस देखने आते हैं। कहाँ सुनो, हमारे रामपुर के खजरी के यहाँ का भीड़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ आदमी ही आदमी दिख रहे हैं, मुंडी मुंडी दिखाई दे रहा है सबका। तो फ्रेंड्स, यहाँ आतिशबाजी बहुत तेज हो चुका है, देख सकते हैं बहुत पटाखा फूट रहा है, और बाकी जो हैं वो सब पीछे हो रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले साल की भांति इस साल भी यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए प्रतीक टेंट वाले ने यहाँ पे डेकोरेशन कर दिया है, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतीक टेंट हाउस जो कि यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लगा दिए हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं खड़े होकर। पिछले साल वाला अच्छा था, इन साल वाला अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ का डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, अब रावण जलाने का टाइम आ चुका है, रावण जलाने जा रहे हैं, देख सकते हैं एक जगह जला चुके हैं। और मेघनाथ जल चुके हैं, और धमाका स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाला को भी जला दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, धमाका स्टार्ट हो गया है। Thank you.
तो फ्रेंड्स दूसरा वाला भी जल के ख़त्म हो चुका है, अब बारी आ गया है तीसरा वाला का, और तीसरा वाले को भी अब जलाने वाले हैं। और फ्रेंड्स धमाका इतना तेज हो रहा है कि हम लोग को पीछे आना पड़ गया है। हम लोग बीच में आ गए हैं, अभी हम लोग दो लोग हैं और बाकी लोग दूसरे साइड हो गए हैं। इतना भीड़ में पता नहीं किधर किधर चले गए हैं। वाला जला दिए हैं मेन रावण जो है, उसको देख सकते हैं आनंद जल। तो फ्रेंड्स रावण दहन हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, लेकिन बाकी लोग नहीं मिले हैं तो अभी हम लोग को। तो फ्रेंड्स पूरा रावण जल चुका है, सिर्फ उसका कंकाल बचा हुआ है, खड़ा है अभी भी उसका कंकाल। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, बाकी लोग निकल चुके हैं और हम लोग अभी तीन लोग बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं फ्रेंड्स बाहर, और इतना भीड़ है कि मतलब आराम से निकल रहे हैं, गेट पूरा जाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग के साथ में जिन लोग थे वो लोग अंदर है, ये हैं मतलब अंदर अभी भी रुके हुए हैं, और हम लोग को बोले कि तुम लोग जाते रहो। और हम लोग अभी निकल चुके हैं दो ही जन, और बाकी लोग आएंगे बाद में पीछे। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहीं तक रहा, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।